रखा गया। और होली वाले दिन तीन बेटों की एक एक करके जो है हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया। गोली मारने के बाद खुखरी का इस्तेमाल किया गया। जो पहले बेटे जो जेल में थे उनपे भी पहले खुखरी से वार किया गया और लगभग पांच लोगों को, एक संगठन है जो कोई गुंडा प्रवीण करके है वो चलाता है, संगठन का नाम है रावण सेना। अब रावण सेना आप जान सकते हैं कि ये रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है और बुराई के प्रतीक को तो दशहरा में उनका दहन भी किया जाता है, लेकिन प्रशासन के लोगों को रावण सेना चल रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या काम करता है इसके बारे में नहीं पता। और जो प्रवीण जो गुंडा है उस पर लगातार जो है कई हत्याओं के केसेस है, वारंट कई बार जो है वो जारी हुआ है, लेकिन प्रशासन में रहने वाले लोग चाहे वरीय पुलिस अधिकारी हो उनकी भी मिली भगत उस प्रवीण को बचाने में है। अब जो प्रवीण है संगठन चलाता है उसकी कई फोटो भी हैं हमारे पास, परिवार के लोग सब मिलने आए इस बुरे वक्त में, हम लोग आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, इनको न्याय दिलाने का लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनके नेता लोग कह रहे हैं कि आपसी रंजिश है। एक तरफा गोली चलाई गई है, एक तरफा कुकरी चलाई गई है, और जो फौजी एक बीएसएफ जवान की हत्या हुई है ये मामूली बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं इनको न्याय मिले, और जब तक यहाँ के डीएसपी और एसपी रहेंगे तब तक इन परिवार को जो है न्याय नहीं मिलेगा। होली के बाद घटना, होली में भी इन लोगों ने एसपी को फोन किया, फोन नहीं उठाया गया। उसके बाद जो है कोई सुरक्षा इनके परिवार को नहीं दी गई है, और कुर्की जब्ती खाली जो है नाम पे जो है किया जा रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि पुलिस जो है वो प्रवीण को तो छोड़ने नेपाल गई है, प्रवीण को छोड़ने गई है नेपाल। अब यहाँ पूरा परिवार यहाँ डरा है, एक ही घर की तीन तीन महिलाएं विधवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप बताइए इनको न्याय कैसे मिलेगा? जो लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं वही लोग जांच कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? और यहाँ जो भी आईजी वगैरह मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी से बात करते हैं, उनका एक भी वरीय पुलिस का अधिकारी जो यहाँ नहीं आया। खुद ये कह रहे हैं कि बयान टीवी में दे रहे हैं कि हम जा करके परिवार के लोगों से मिले आईजी, और आईजी आए ही नहीं यहाँ परिवार से मिलने। ये तो ब्यूरोक्रेसी की भी हद हो गई। मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार संभाल नहीं रहा। गृह डिपार्टमेंट, आज हम सुने मुख्यमंत्री का बयान कि बोलते कि क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का जिम्मा है। हमको लगा कि भाई पुलिस महकमा जो है वो नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब पता चला कोरिया के जो किम जोंग हैं उनकी जिम्मेवारी है। यह स्थिति बनी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ? कोई नैतिकता के आधार पर? अरे भाई आप मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बने, बन गए मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री वाला काम तो कीजिए। आप आइए, इस परिवार से मिलिए, आंसू पोछिए, सहारा बनिए, इनको विश्वास दिलाइए इस परिवार को कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आपको सुरक्षा हम देंगे, और जो दोषी है उसको घसीट करके सलाखों के पीछे जो है वो डालेंगे, नहीं तो फांसी की सजा हम देंगे। ये मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री अधिकारी सब जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और इसमें जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं विनोद जी का, उसका नाम आ रहा है। ठीक होली से पहले जिन लोगों ने हत्या की एक दिन पहले उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। ये हम नहीं कह रहे, हम तो यहाँ आए हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का जो परिवार जो लोग हैं, जो
सदमे में है, जो पीड़ित परिवार है, सब लोग कह रहे हैं असलियत क्या है। और मुख्यमंत्री जी को कम से कम आँख खोल करके जो है भीख मांग रहे हैं लोग। इनका अधिकार है कि न्याय मिले, लेकिन भीख मांगना पड़ रहा है। न्याय के लिए हमको एड़ी ना खड़ा करना पड़ रहा कि हमको न्याय दे दो, न्याय दे दो। क्या प्रशासन है, क्या सुशासन है? ये पूरी तरीके से सुशासन राज नहीं बल्कि राक्षस राज आ गया, जहां रावण सेना जैसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पूरे बिहार में। नेता प्रतिपक्ष है और इस तरह से अभी से ये नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है। और लगातार डराना धमकाना जो है वो किया जा रहा है। और जो संगठन जो चलाता था उस पर कई हत्या टाइप के जो है केस है। अब उनका मालिक कौन है, किसके संरक्षण में वो चौड़े हुए हैं, ये तो जांच का विषय। लेकिन अद्भुत ये है कि जो जांच करने वाला लोग है वही लोग इन्वॉल्व, जो संरक्षण दे रहा अपराधियों को वही जांच कर रहा है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला विपक्ष के नाते ये मांग है कि इनके परिवार को और ख़ास तौर पे इस इलाके में सुरक्षा जो है वो दी जाए। दूसरा, जो नामजद FIR जिनके नाम पे हुआ है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। और इसमें अगर कोई पूर्व मंत्री MLA का नाम आ रहा है तो उससे भी सवाल जवाब पूछताछ होनी चाहिए। और हम लोगों की मांग रहेगी, क्योंकि ये परिवार एक BSF के जो जवान है उनको मारा गया, 3 बेटे के जो पिता हैं वो खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, बिहार रेजिमेंट में रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इनके परिवार में नौकरी जो है वो राज्य सरकार सरकारी नौकरी प्रदान करने का काम। तेजस्वी, पीड़ित परिवार के लिए राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे न्याय के लिए? देखिए, हम लोगों को जहाँ भी आवाज़ उठाना होगा, जिस स्तर पे हम लोगों को जाना होगा न्याय दिलाने के लिए, वहाँ तक हम लोग जाने का काम करेंगे। क्या बाबू साहब, लेकिन क्या बाबू साहब बचा रहे हैं क्या आरोपियों को? इसमें जो लोग हैं, अब तो हम बोल रहे हैं SP और DSP जब तक रहेगा इनको न्याय नहीं मिलेगा। उनको हटाने की मांग आप कर रहे हैं? अविलंब हटाना चाहिए, जस्टिस कैसे मिलेगा? तो हमारे पास फोटो है क्या? आप लोग को हम फोटो भी दिखा देते हैं, हालांकि हम लोग रिलीज भी करवाएंगे इस चीज़ में। तो ये इतना बड़ा अन्याय जो है, लाओ फोटो दे दे। नहीं, वो वाला नहीं, DSP वाला। ये जो व्यक्ति है ये प्रवीण है, जिसने हत्या की और जो संगठन रावण के नाम से चलाता है। और इनके गुरु कहलाए जाने वाले जो लोग हैं वो विनोद, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो है विनोद नारायण झा। अब आप देखिए, यही व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, DSP जो है उसके साथ फोटो है, ये DSP है और ये प्रवीण है। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगा? SDO भी है इसमें, SDO वगैरह सब है। और लगातार इनके प्रशासन के लोगों से मिलीभगत लगातार रहती है। जो रंगदारी वगैरह संगठन से ये लोग कमाते हैं उसमें कुछ पैसा जो है अधिकारियों को भी चंदा ये लोग देने का काम करते हैं। ये करप्शन घूसखोरी नीतीश जी के राज में मामूली बात है। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी, कहाँ है? वो तो कहते हैं कि हम कुछ एक भी समय खाली रहते कर काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? RCP टैक्स कलेक्शन, 5 बार DGC वो RCP टैक्स कलेक्शन करते हैं। 5 बार आके DGP क्या बताएगा? DGP को क्या पता है? जो उसका SP बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। SP यहाँ कहाँ है? DGP का क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वोट दे करके किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए।
यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए, लोकतंत्र है कि नहीं है, जो अधिकारी पढ़ाएंगे ऊपर नहीं। और आप बताइए डीएसपी एसपी किससे पूछेगा, डीएसपी से अरे कौन कानून, कानून तो इन लोग तो तानाशाही रवैया से देख ही रहे हैं कि पुलिस जो है इतना बढ़िया कानून है कि नेपाल चली गई छोड़ दे प्रवीण को, ये कानून है इनका। आप ये बताइए मुख्यमंत्री कहते हैं कि डीजीपी से बात की, डीजीपी बात करेगा एसपी से, एसपी बात करेगा डीएसपी से, जो डीएसपी रिपोर्ट देगा एसपी को वही एसपी रिपोर्ट देगा डीजीपी को, वही डीजीपी बताएगा मुख्यमंत्री को, न्याय कहाँ मिलेगा। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है जहाँ घटना हुआ वहाँ जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए और उनको न्याय दिलाइए। लेकिन अधिकारी बाबू साहब बचाने में लगे हुए हैं, बयान हुआ था चुनाव के वक्त आपको काफी घेरा गया था। अरे देख देखिए देखिए ये आप कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, ये बात नहीं है। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा रहेगा।